أدت جناها الله ولا قال للقادشاه الله ربنا يركرين أناها सिंगिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन में खुश आमदीद। आज हम बतौर स्पेशल ईद शो कर रहे हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो भाई आपको और सब। सर ईद मुबारक। हाँ जी सर, आपके तमाम सुनने वाले और देखने वालों को और ऑल ओवर द वर्ल्ड जी जो मुसलमान हैं उन सबको हम अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करते हैं। जी सर, तो आइए बिस्मिल्लाह। बतौर साइकोलॉजिस्ट आप आज ईद की खुशी के मौका पर आप हमें इंसानी फितरत के मुतालिक क्या बुनियादी असूल बयान करेंगे ताकि इंसानियत की भलाई हो। देखिए आज काम उल्टा है, आखिर पर हम आपको चार बताया करते थे क्लिनिकल चीजें जो कि इंसान की फितरत में है तो उसको इस्लाह करनी चाहिए। तो आज के जो है हम स्टार्ट में बता रहे हैं इसलिए कि ये मौका ईद जो होता है इसका सिर्फ मकसद ये नहीं है कि कपड़े पहन लेना या गेट टुगेदर कर लेना, बल्कि इसके पीछे इस्लामी पहले नुक्ता बताता हूँ फिर उसके बाद आता हूँ। मकसद ये होता है कि आदमी जब लेबर कर लेता है ना तो आप खुदा के हुजूर पेश होता है, पहले इंडिविजुअली था, फिर उसके बाद कहा जी जुमे के रोज मस्जिद में जाओ, फिर उसको कहा कि जामा मस्जिद में जाओ ईद के लिए, और फिर ये इंटरनेशनल यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग है, जो एक मुसलमान जुड़े हुए हैं आपस में, तो फिर कहा कि हज आप पर एक दफ़ा जिंदगी में फ़र्ज है, वो इंटरनेशनल गेट टुगेदर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ऑल द रेसेस ऑफ ऑल द लैंग्वेज और दुनिया जान का जो शख्स है उसमें प्रो दिया गया है, ये कहते हैं इसको कहते हैं इस्लाम, सलामती, पीस। तो ईद का जो मकसद है, दो ईदें मनाई गई हैं, इसके अलावा जितनी भी हैं ये आपकी अपनी क्रिएटेड है, विद द टाइम आपने कुछ बना लिया। इस्लाम में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जी आज ये बना लें, आप ये मना लें, आज ग्यारहवीं शरीफ है, आज जी मिलाद शरीफ करना है, आज ये करना है, इस्लाम में ऐसे नहीं। वहाँ है खामोशी से इबादत करना, खुदा से कनेक्ट करना। अब ईद का जो बेसिक मकसद है वो पता क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ इनर सेल्फ। कपड़ा पहनने से बैरूनी आप सफाई करते हैं, ये है अंदरूनी सफाई करना, अपने आप को करेक्ट करना। क्या इंसान के अंदर गुरूर है, तकब्बर है, दिखावा है, समझ आई ना जी, और सबसे बड़ी जो बुरी बात है वो हसद है, रकाबत, जिसकी वजह से निकाला गया और क़यामत के दिन उसको प्योरीफाई करके जाएंगे इंसान, तो वो रकाबत ख़त्म हो जाए। तो हमारा असल ईद का मकसद ये है कि आप बैरूनी तो आप ठीक है, शेयर करें, अंडरस्टैंड करें, कम्युनिकेट करें और बॉन्ड क्रिएट करें जो मुसलमानों का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रिमाइंडर है कि देखें इस दिन आपने गरूर ख़त्म करना है, अमीर गरीब की ख़त्म हो, आप फितराना देंगे वक्त से पहले दें, वो भी कपड़े पहने, फिर उनके अंदर आप चीज़ें बांटें इकट्ठे या कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ जाएं, फिर बड़ों बुजुर्गों के पास जाएं, और उसके अलावा क्या है कि इसमें तकब्बर ना हो, हम्बलनेस हो, हसद ख़त्म हो चुका हो, अपनाइयत का उसमें निज़ाम हो। तो ये इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इंसान को जो पैदा किया तो इसलिए किया कि इंसान फीलिंग का मुरक्कब का मजमूआ है। देखना फरिश्ते इतने अल्लाह के का गिने नहीं जा सकते, लेकिन दे आर मैकेनिकल इन नेचर, उनमें फीलिंग नहीं है। अल्लाह में कहता है मुझे फीलिंग वाली चीज़ चाहिए, मैंने स्नैप को क्रिएट किया तो इसको या अकलून कहा और इसको फीलिंग दी, इस फीलिंग ही को तो मैं पसंद करता हूँ, इधर शर भी है और इधर राइट पर्सन राइट चीज़ भी है, तो दोनों में से कौन सा आप इंतखाब कर। फिर उसने ये बताया कि मुतमाइना नफ्स से मुतमाइना कौन होगा, जो मिडल वे करेगा, ये नहीं कहा कि आप हर वक्त बस नमाजें पढ़ते रहें तो आप खाना ना खाए, नो इज ऑल रॉन्ग, अल्लाह ताला कहता है दीन दुनिया लेकर चले। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा जो कहना है कि मकसद है फितरत इंसान जो है वो उसका जिक्र है। अब आइए कि नफ्सियाती तौर पर इसका क्या माना है।
आपको पता है मैं काफी अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें आपको मैंने बताया कि इंसान के पैदाइश क्या होता है, फिर उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है। ठीक है जी, जब उसको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स मिल जाते हैं तो वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। आई एम राइट और रॉन्ग? इसके बाद ये होता है, हाँ, अगर वो उससे इधर या उधर भटक गया तो वो इम्बैलेंस है, इज नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया ना, तो एक जिस होता है ना, माँ बाप बैलेंस चीजें देते हैं, हर चीज प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि खुश होते हैं कि मेरा बच्चा परवान चढ़े और एक नेक बने, मेरा ओबीडियंट हो, मैं उसको देखो खुश हूँ और मेरी औलाद भी बड़ी बेहतरीन है। तो अल्लाह ताला ने भी इसी तरीके से इंसान को पैदा किया, जमीन और आसमान इसके लिए पैदा किए, इसके काबू में कर लिए, इसको हर चीज दी और इन चीजों को उजागर करने के लिए जो पांच साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो दी उनको, क्या? अपनाइयत, मोहब्बत, इज्जत, तहफ्फुज और स्ताइश। किस तरीके से? नमाज, पहले तो कहा कि मैं वाहिद हूँ, टेक डिस्ट्रैक्शन ताकि भूल भुला ना जाओ। फिर उसके बाद का नमाज, नमाज क्या है? यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद आपने हज का, जक़ात का, इन चीज़ों में क्या हो रहा है, इस तमाम प्रोसेस के अंदर इंसान जुड़ा हुआ है, किस तरीके, सिंगल नहीं है, अपनाइयत है, मोहब्बत दे रहा है एक दूसरे को, इज्जत दे रहा है, स्ताइश दे रहा है और तहफ्फुज़ दे रहा है। कमाल की बात नहीं है, ये तमाम चीज़ें इस इस्लाम ने इंसान को दे दी। और ये ईद मनाने का मकसद भी ये है कि वो जो अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, जिनको मैंने गिनाया है, उसको हम अप्रिशिएट करें और उसको आप उसको वर्कआउट करें। लिहाजा नफसियाती तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये डिसिप्लिन डे है, सेल्फ कैलकुलेशन डे है, अल्लाह का शुक्र करने का डे है। और ये करना है कि अल्लाह मियां, आपने मुझे ये बताया कि सीधा रास्ता है, मुझे डिसिप्लिन करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, अगर मैं सेल्फ कंट्रोल करूँगा तो आप खुश हो जाएंगे। लिहाजा इसका ये ईद का मकसद है मेरे नुक्ता निगाह से, क्यों? अगर आप इसके अंदर प्योरिफिकेशन नहीं होती तो ये ईदें आती जाती रहेंगी। अब आप देखें उस ईद, अब एक स्वाद पैदा हो जाता है। मौला ने तो आपको इतना अजीम, क्या कहते हैं, महीना दिया, राइट? ईद का मौका आया, यार आप ईद ना मना सके, आप पूछें इसकी रीजन क्या है। ये आपके बड़ी एक पुराने मेरे पास सिलसिला चला आ रहा है, डॉक्टर साहब फिर पहली कौमों के मुतल्लिक क्यों कहा गया? ये पहली कौमों को बार बार ये रिपीट किया गया कि आप ये करते रहोगे, इन कौमों को याद रखो, इन्होंने ये नहीं कहा तो मैं उनको सजा दे। क्या अजीब सजा नहीं है कि आपके पास पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, एक कमरे में बंद हुए हैं और यहाँ आपने मास्क चढ़ाया हुआ है, ईद नहीं एंजॉय कर सके। तो इट मीन्स अल्लाह ताला वार्निंग किया करता था, फिर सजा देता था। अल्लाह भी हमसे नाखुश है, हमें खुशी नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूंगा कि आप हमें ये पुराने पाक की रूह से ये भी बताएं कि रिश्तों का किस तरह ख्याल रखना चाहिए। अभी इसका मौका है, इस सिलसिले में आप काइंडली रहनुमाई फरमा दें। देखिए, जहाँ तक रिश्तों का ताल्लुक है, रिश्ते जो है इसकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन होना लाजमी है। ज्यादा आपने देखा होगा कि ये जो रिश्ते हैं, आज के दिन उन रिश्तों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अपने बड़ों के, बुजुर्गों के पास जाएं, बच्चों को दें, रिश्तेदारों को दें, इकट्ठे खाएं, इस तरीके, ताकि उनमें रकाबत और वो जो है ना चीज़ें ख़त्म हो जाएं। बल्कि अगर हों तो उस दिन खड़े होकर कहें कि भाई मैं माज़ा चाहता हूँ, मेरे दिल में ये थी तो मैं आप माफ़ी चाहता हूँ। यानी कि ये एक बख्शिश करने का, प्योरीफाई करने वाला दिन है। ये नहीं है कि आप जी ये मस्जिद फलां का ये फतवा आ गया, फलां का ये फलां का, यार मुझे बहुत उस पर तकलीफ होती है कि जिस वक्त अल्लाह है, का रसूल है, कि सब है, इन्होंने इतनी चीज़ें बना डाली हैं कि सिंपल मज़हब को इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि रिश्ते जो है ना वो रकावत में चले गए। भाई मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये आपको पहले भी बताया था कि कहाँ से ये शुरू हुई बिदा, तो उससे पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। वह ये है कि इंसान के अंदर ये जो है ना खुदगर्जी और मादा परस्ती और कम से कम वक्त में ज्यादा ज्यादा हासिल करना और किसी तरीके से करना, और उसमें वो इतना चला गया है कि रिश्ते भी पीछे चले गए।
सर क्या ये कल्चर फैक्टर नहीं है जिस तरह अभी आप बिजनेस की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कल्चर फैक्टर भी तो है सर। हाँ आई अप्रिशिएट यू, यूट्यूब का वेरी ग्रेट वर्ड टुडे। ये देखिए ये कल्चर है जिसमें कि आप देखते हैं कि वो मजहब को आपने कल्चर से मिक्स कर दिया है। मजहब बड़ा सादा, बड़ा एक सिस्टमेटिक, बड़ा एक ऑर्गेनाइज किस्म का कुरान शरीफ दे दिया, इसी को पढ़ते रहो। मैं आज आखिर पर आपको जो तोहफा दूंगा ना तो वो आपको यही होगा तोहफा, लेकिन उसमें बयान करने का एक अंदाज होगा। लिहाजा उसमें जो काबिल गौर चीज़ है कि हम जिस वक्त इस्लाम फैला है ना जी, जहाँ जहाँ गया है वहाँ ऑलरेडी मजहब थे। मजहब जो होता है ना वो जो पहले के होता है वो उसे कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो अंदर घुसा हुआ होता है, उस पर लेयर खानदानी या पिछले जहाँ जहाँ गया है वहाँ ऑलरेडी मजहब थे। मजहब जो होता है ना वो जो पहले के होता है वो उसे कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो अंदर घुसा हुआ होता है, उस पर लेयर खानदानी या पिछली नस्लों की चली होती है, तो उसको उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप लाख कोशिश कर लें वो जो होगा ना अंदर का सिस्टम के ये जी चढ़ावा करना है, ये करना है, ये तरीका करना है, वो करना है, ये तमाम हिंदुओं के थे। इस तरह क्रिश्चियंस को पता है कि ये जो हम बनाते खुद ही हैं उनका मुजस्मा, और उसका आगे सिर टिका दे तो अगल वाला जस्मा ही था यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, इस तरीके ये सारी चीज़ें। लेकिन चीज़ ये है कि वो जो पीछे समा जाती है ना दिमाग में, उसको क्लियर करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। लिहाजा लोग कल्चर और मजहब को मिक्सअप करके ये वराइटी ऑफ इस्लाम पैदा हो गया है। ये आपके अंदर कितने हर एक ने अपने अपने बनाए, हर एक ने ये बनाया कि हमारा फलान लिखने वाला ये कर गया लिहाजा हम उसको फॉलो करेंगे। यानी कि अब मुसलमान होने के बावजूद ये जी शिया है, ये सुन्नी है, लदीस है, ये वाबी है, ये दिस है, दिस है, दैट है, दैट है। क्यों? उन्होंने इंटरप्रिटेशन जब की ना तो हर एक को बढ़ते बढ़ते जिस होते ना एक यूं लाइन आ रही थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो एक सीधा बावल पर चली जाएगी और दूसरा किसी और तरफ चली जाएगी, स्टेशन एक ही होगा। तो कहने का मतलब है खुदा एक रसूल। तो अर्ज करने का जो मेरा जो खास मकसद है, अच्छा किया आपने इसको टच कर दिया, जरा आज थोड़ी सी गहरी भी बात होगी, ऐसे नहीं यार वो सती हम कर देते हैं तो आप उसके बाद। अब मुझे ये बताएं कुरान शरीफ में क्या उसका नाम है, दुआ का मकसद क्या था? अंबिया कराम दुआ करते थे, आप सूरह अंबिया पकड़ लें। लिहाजा मैं आज प्रिपेयर हूँ, पहले मैं आपसे वैसे बैठा, जिस किसी भी अंबिया कराम ने मांगा उसने अपनी जबान में मांगा, ये जरूर नहीं कि अरबी में मांगे। लिहाजा कोई भी किसी सूरत में करता है अंदर की जो हुक है अल्लाह में सुनता है, अल्लाह में तो इंटरनेशनल है ना, वो तो नहीं ना कि सिर्फ आपके ये पंजाबी में बात करेंगे या अरबी में सिर्फ करेंगे, भाई उससे पहले इब्रानी और सारिस थे। तो लिहाजा ये भी ज़हन में क्लियर कर लें, जो दुआ होती है अंदर का खलूस होता है, आप अल्फाज के पीछे ना जाए, मौला को अंदर का पता आपकी नीयत क्या है, किस लय के साथ बात कर रहे हैं, ये भी क्लियर कर लें। लिहाजा इस सूरत में ये इस चीज़ को मंदर रखते हुए हर अंबिया ने दुआएं मांगी, मुश्किल वक्त सबर किया, साथ दुआ मांगी, इत्तमारी दुआ भी मांगी और अकेले भी मांगी। अब उसमें अगर आप चले जाएं तो आपको सौर क्रांशी में जिक्र होगा हजरत नूह से लेकर दाऊद, हजरत जितने भी हैं हर एक ने अपने अपने से दुआ मांगी। मसल रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसर, हजरत नूह ने मांगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, हजरत यूनुस ने मांगी वो भी हिल गया। इसके बाद आगे किसने मांगे, जो भी हैं हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मांगी और वो बहुत सी हैं, अगर मैं हसबुनल्लाह व निमल वकील, निमल मौला व निमल नसीर, व तवक्कल अल्लाह व कफा बिललाह वकीला, ओ मौलाकुम फनिमल मौला व निमल नसीर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फस्तजबना लहू मिनल गम्म कज़ालिक नुज़। यानी कि ये दुआएं इतनी हैं कि मैं क्या किसी जगह ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि रसूल सल्लम के वास्ते जो मुझे ये कर दें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का वास्ता नहीं पकड़ा। आपने कहाँ से ये दुआएं बना दें
के दुआ मांगते हैं और दुआ मांगने के लिए फलाना जी या पीर दस्तगीर या फलाना या हजरत दाता कर, भाई उन्होंने तो नहीं दुआ आपकी कबूल करनी, कबूल तो उस रब ने करनी है। तो लिहाजा ये मैं ज़हन में करी, अगर आप उनसे मांग रहे हैं तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया कि मांगो मुझसे जिस तरह हजरत आदम अलैहि सलाम ने भी मांगा था, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना वइन लम तग़फिरलना वतरहमना लनकुनन मिनल ख़ासिरीन। हजरत यूनुस अलैहि सलाम जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने भी ये दुआ मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। हाँ ये अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी ने ये कहा था मैं पीर दस्तगीर से मांगूंगा, ग्यारहवीं शरीफ कहाँ से आ गई, जुमे रातें आप कहाँ से करते हैं, और जो मैं फलाने दे चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, इट मीन यू आर हेल्पिंग गेटिंग हेल्प फ्रॉम देम। मुझे डर है कि क्यामत के दिन जब वो उठेंगे तो कहेंगे या इलाही इन्होंने तो हमें जलील और रसवा कर दिया, हमने तो ये इतना इस्लाम फैलाया, रब्बुल इज्जत तुम्हारी जात के लिए रसूल सल्लम की पैरवी के लिए कहा, हमने तो ये नहीं कहा था। वही बात होगी हज़रत ईसा का मैंने जिक्र करता हूँ, तो खुदा रहा इन लोगों को समझाएं, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उनके लिए शर्मिंदगी का मौजब बन रहा, आपने तो दोज़ख में जाना ही जाना है। तो वो उस दिन कहेंगे ऐ मेरे बंदे मैंने तुम्हें ये, आप गए थे हज़रत दाता का बख्शा रहमतुल्लाह है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, इतनी बड़ी हस्ती इतना कुछ किया। अच्छा फिर उसके बाद एक और चीज़ है जरा समझे जाए, सुनने की बात यह है कि आप ये जो होता है इनका दारमदार पता क्या होता है, इनका दारमदार ये होता है क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि ये पढ़ते तो है नहीं, दे डिपेंडेंट ऑफ जो लोग उनको दे दें, जरा समझते जाइए जब वो उनको लोग जो कुछ देते हैं उसको हासिल करने के लिए जब मौका आता है उससे वो जिस तरीके से कहते हैं उससे उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, जिस हजरत बनी इसराइल के मुतल्लिक बताया गया, फिर कहा जी हमें आग ने टच करेगी, इस तरीके कहानियां बना दी, वो सारी चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा कोई उनको इसलिए बताने के लिए तैयार नहीं कि वो आपको क्या खुदा का भला करे, मानी के साथ बताने को तैयार नहीं, सूरत बताने को तैयार नहीं, वो फौरन फलां रावी ये कहता फलां किताबी, वो उन्हीं की एक लड़ी हो जो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आ रहे होते हैं, वो जब सपोर्ट करते हुए आ रहे होते हैं तो ये कहते देखिए ये करामात हैं, जरा आराम से सुनिएगा, ये बड़ी गहरी चीजें हैं, क्योंकि ये उसके हमारे मेरे ख्याल में मेरे इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं अगर मैं अवेयरनेस शोर ना पैदा करूं कि अक्सर खा लेना कलमा पढ़ लेना तो उसके बाद डिकार मार लेना तो कह जी हम तो ये हैं तो हम तो कारोबार ये बातें नहीं चलेंगी वहां पर। हाँ तो माल का हिसाब किताब वो तो कुंजी पूछ रहे हैं, क्या मैं बता रही हूँ किस तरह मुल्ला का दारोमदार पता है ऊपर की कमाई का जरिया है, लोगों वसूल करने के लिए दुआ करने के लिए चले जाते हैं, उनके लिए निकाह पढ़ाना हो जनाजा पढ़ाना हो और वजीफा हो तो ये उनके मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं। वो कहते हैं जुमे रात को फिर ये शाम को उनके घरों में जाते हैं जी राहिबिल्ला आपके लिए दुआ करने करो, यार कुछ और देखें ये वजीफों का सवाल। अच्छा होता ही है कि जब कोई गलती हुई, मैंने पाकिस्तान में नोट किया वडेरों के यहाँ गलती हुई बड़ी को फाश किस्म की, जिस तरह होता है ना जो गुनाह कबीरा होता है, वो तो उन्होंने तो कहा पैसा ही कोई नहीं, तो उनकी औरतों ने कहा कि नहीं जी ये तो बड़ा जुल्म है, मौलाना साहब को बुलाओ, मौलाना साहब के पास आए जी कोई इसका तरीका को, उन्होंने कहा जी इतने मेरे मुरीद हैं मिला के 60 बंदे रोटी खुवा दो तो कम पार है। यानी कि आप समझें कि आपका गलती सरजद हो जाए तो वो इस तरीके से देगे पका दो मन्नते चढ़ा दो ये कर दो वो ये दादा उस शेर चले जाओ, अच्छा वो सुकून के लिए उधर चले जाओ, अब आप उस तरफ भी आ जाए, मैं आज थोड़ा सा खोलूंगा। जो मोतकिद होता है वो अंधा होता है, वो सोचता नहीं, और वो होता क्यों इसलिए कि लंबा अरसा उस लड़ी के साथ लगा हुआ होता है और वो उनके करामात बना बता बता के उसको बगैर टेस्ट किए हुए बगैर जांच किए हुए इतना पक्का हो जाता है तो उस तरीके से परसीव करने लगता है, इसे कहते हैं अलूरी अलूयन हो जाना, जिस तरह वो कहता है वो उस तरीके से देखना उस तरीके से ओ करामात होगी सर आपने कहा था मुझे चांदनी में वो फलां दे लोग नुकता नजर आ ही गया जो मुझे कहते थे आप। इसके दूसरी तरफ सने इमाम जो इस किस्म के होते हैं हर एक को नहीं मैं कह रहा हूँ उनके अंदर हलूसिनेटरी पर्सनैलिटी होती है, हलूसिनेटरी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने आप को हलूसिनेट करते हैं मैं बड़ा हूँ सर ने उठाया बड़ा बड़ा नस्ल तैयार है जो बड़ा ओ जी यार पीर खड़े हो जा सजदे करो वो करो, वो यूं महसूस करने लगता मैं आम सुपर नेचुरल थी, आम सुपर नेचुरल थे
सर इस तरह नहीं बात होती, जो गंडे तो बिल्कुल। सर मैं आपकी इन बात से एग्री करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि जैसा कि समीन आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन इज स्पेशल शो, मैं चाहूंगा कि हम इसको नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ ले चलें।